गोवर्धन में नारद कुंड पर श्री नारद जयंती के अवसर पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का व भंडारे का आयोजन हुआ। गोवर्धन के सप्तकोसी परिक्रमा मार्ग में राधा कुंड मार्ग पर कुसुम सरोवर के समीप स्थित नारद कुंड पर भगवान नारद जी की जयंती पर भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम व साधु संत सेवा भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें वृंदावन से आए संगीत कलाकार चित्र विचित्र ने मेरी विनती यही है राधा रानी कृपा बरसाई रखना जैसे मधुर भजनों पर श्रद्धालुओं को झूमने पर विवश कर दिया। चित्र विचित्र के सुरीले भजनों पर बूढ़े बच्चे स्त्रियां आदि सभी श्रद्धालु झूमते और ताली बजाते हुए नजर आए। वहीं कार्यक्रम आयोजक विनय शास्त्री ने बताया कि नारद कुंड के महंत पीठाधीश्वर श्री दीनबंधु शरण देव जी महाराज उनके गुरु हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से प्रतिवर्ष नारद जयंती के महोत्सव पर उनके शिष्यों के द्वारा ये जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है तथा साधु संतों की सेवा तथा भंडारा प्रसादी आयोजित होता है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम का आयोजन 22 तारीख से 26 दिसंबर तक किया गया है, जिसमें मंगल बताई अभिषेक संत सेवा तथा रात्रि में दीपदान महोत्सव जैसे कार्यक्रम आयोजित हैं। इस अवसर पर लगभग 200 साधु संतों के लिए गर्म शॉल भी वितरित की गयी। डीडी शर्मा मथुरा समाचार 24। पंडित जी क्या नाम है आपका? पंडित विनय कुमार शास्त्री। आज यहाँ नारद कुंड पे क्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और किस उपलक्ष्य में किया गया? नारद जयंती महोत्सव है, मूर्ति प्रतिष्ठा नारद जी की मूर्ति प्रतिष्ठा यहाँ भी नारद जयंती महोत्सव यहाँ मनाया जाता है। वार्षिक उत्सव हर साल प्रति वर्ष मनाया जाता है हमारे श्री गुरु जी श्री दीनबंधु दास जी महाराज उनके सानिध्य में और ये प्रवचन होता है और यहाँ पर सभी भक्तगण प्रवचन करने के लिए सभी आते हैं। सभी भक्तगण बड़े बड़े ज्ञानी सभी यहाँ पधारे, सभी ने प्रवचन किया। सभी भक्त बड़े हर्षोल्लास से और सबको जन नारद जयंती महोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ में यहाँ मनाया जाता है। भंडारे की और ये सभी व्यवस्था सेवा जो है हमसे जो बनी हो कर दी हो बाकी का सब गुरु जी ने समझा। क्या किसी अन्य संस्था का भी इसमें कोई सहयोग रहा है? जो गुरु जी की है जो भी सब सेवा है और बाकी की हमारी सबकी सेवा बन जाती है जो हम सेवा करते हैं। बस इतना है गुरु जी का।